पेरिस में ओलंपिक पदक सपना टूटने से निराश भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार को कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश को मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया था, जिससे उनका मनोबल टूट गया। 29 वर्षीय विनेश ने खेल पंचायत में अयोग्य ठहराए जाने के विरुद्ध अपील की है और 50 किलोग्राम भार वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की है। हरियाणा की इस पहलवान के नाम 3 राष्ट्रीय मंडल खेलों के स्वर्ण, 2 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक और 1 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है। 48 किलोग्राम में पूर्व विश्व नंबर 1 विनेश ने 2014 राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। खेल पंचायत विनेश के पदक पर आज दे सकता है निर्णय। विनेश फोगाट की अर्जी पर खेल पंचायत में शुक्रवार को सुनवाई होगी। उन्होंने अयोग्य करार दिए जाने के विरुद्ध खेल पंचायत न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसमें उन्होंने संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है। सुनवाई के लिए खेल मामलों के न्यायालय ने विनेश को अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार की ओर से नियुक्त एक वरिष्ठ वकील का पक्ष रखेंगे। सुनवाई भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। एफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है, मैं यह देखकर भी हैरान हूं कि उन्होंने खुद ही संन्यास लेने का निर्णय किया। मैं भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से उनसे आग्रह करूंगा कि वह दुखी मन से इतना बड़ा फैसला नहीं लें और इस निराशा से मानसिक रूप उभरने के बाद ही तर्कसंगत फैसला करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक्स पर लिखा है कि प्रदेश की बहादुर बेटी विनेश किसी कारण से ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हमारी सरकार ओलंपिक रजत पदक जेता को जो सम्मान इनाम व सुविधा देती हैं, वे सभी विनेश को कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। विनेश को 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।